Hey guys, welcome back to my channel. This is Small Little Things और मैं हूँ आकांक्षा और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अ डी आई वाई हेयर रेडमी हेयर मास्क फॉर हेयर ग्रोथ एंड मेक योर हेयर लॉन्ग स्ट्रॉन्ग एंड शाइनियर. सो आगे बढ़ने से पहले डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड उसके बाद क्लिक दैट बेल आइकन सो यू कैन नेवर मिस माई एनी वीडियो अपडेट्स. सो लेट्स चेक आउट द वीडियो. गाइस आज हम जो ये पैक बनाने वाले हैं ये आपके जो स्किन है आपकी जो हेयर्स है उन्हें बहुत अच्छे से शाइनी लॉन्ग स्ट्रॉन्ग और हेल्दियर बनाएगा. साथ ही आपके पतले बालों को थिकन करेगा और आपके हेयर्स को लॉक करेगा और आपके हेयर्स को फॉल होने से बचाएगा. सो आज हम ये जो बनाने वाले हैं गाइस आपको अगर इसी तरह के हेयर्स चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखें और इस पैक को लगाएं जिससे आपके हेयर्स लॉन्ग स्ट्रॉन्ग शाइनी थिकर और मज़बूत बनेंगे. सो गाइस इसके लिए हमें चाहिए ऑनियन. यहाँ पे मैंने टू मीडियम साइज़ ऑनियन लिए हैं. ऑनियन के अंदर गाइस फॉलिक आपके जो हेयर फॉलिक्स को ये स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपके जो सरफेस है आपके हेयर्स का उसे क्लीन करता है डीपली क्लीन करता है. साथ ही एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती है जिससे आपके स्किन के जितने भी डेड सेल्स हैं और जितनी भी इम्प्यूरिटीज़ है वो निकलती है. साथ ही आपके जो हेयर्स है उसको स्कैल्प में लॉक करता है और झड़ने से कम करता है. इसके अंदर एंटी ऑक्सीडेंट है जो आपके हेयर्स को शाइनी और परमानेंट स्ट्रेट भी बनाता है. सो गाइज यहाँ पे उसके बाद हम लेंगे हनी. ये आपके स्किन को आपके हेयर्स के स्कैल्प को मॉइस्चराइज करेगा आपके हेयर्स को स्ट्रेंथन करेगा. साथ ही आपके इसके अंदर एंटीसेप्टिक और एंटी बैक्टीरियल क्वालिटीज़ है जो आपके स्कैल्प को इन्फेक्शन से बचाएगी. साथ ही ये डैंड्रफ को भी निकालेगा और आपके हेयर फॉलिक को मजबूत करेगा और आपके हेयर्स को झड़ने से कम करेगा और आपके हेयर्स को ग्रोथ करने में भी मदद करेगा. उसके बाद गाइज हमें चाहिए ऑलिव ऑयल. ऑलिव ऑयल एज हम सब जानते हैं बहुत ही अच्छा हेयर ग्रोथ ऑयल है. ये आपके हेयर्स को हेल्दी बनाता है. इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके प्रमोट करते हैं स्कैल्प में स्किन को हेल्दी और बहुत अच्छे शाइन देने के लिए. आपको इससे मसाज से आपकी जितने भी डेड सेल्स है वो निकल जाते हैं. आपका स्किन स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत अच्छी तरह अच्छा हो जाएगा और साथ ही आपके जो हेयर्स है उन्हें शाइनी और मैनेजेबल बनाता है. सो गाइज हम इन सबको मैं एज अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं. यहाँ पे मैंने वो जो प्याज है उसे मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है. हमें जूस नहीं हमें इसी तरह का रॉ पेस्ट चाहिए इसलिए मैंने प्याज का पेस्ट निकाल लिया है. अब एक एक करके मैं इन सारी इंग्रेडिएंट्स को इसमें डालूंगी. हमें 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल ऐड करूँगी, 1 टेबल स्पून हनी ऐड करेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे. बट अगर आपको ऑनियन की खुशबू ये जो स्मेल है वो आपको अच्छी नहीं लगती है ना आप नहीं लगा पाते हैं तो आप इसमें 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं. वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है. वो आपके हेयर को डीप कंडीशनिंग करने में मदद करेगा. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल भी ऐड करा है और इन सबको अच्छे से ऐड करके आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें और देन आप अपने पूरे हेयर्स के स्कैल्प पे और अपने पूरे बालों पे इसे अप्लाई कर सकते हैं. आपका जो पैक है वो रेडी हो चुका है. बट आप चाहें तो अगर इसको वॉश करने के बाद आपको स्मेल आए आपके बालों में से तो आप रोज़ वाटर या फिर एप्पल साइडर विनेगर से भी अपने जो बाल हैं वो वॉश कर लें माइल्ड शैम्पू से. पहले से अच्छी तरह से अपने पूरे बालों में अप्लाई करें उसके बाद आप इसे माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लें अपने पूरे बालों को. फिर भी आपको अगर बदबू आपको लगती है इसकी तो आप एप्पल साइडर विनेगर आधा ढक्कन अपने पूरे आधा बकेट पानी में डाल के उससे आप अपना हेयर धो लो. एप्पल साइडर विनेगर भी बहुत अच्छा है आपके हेयर्स को ग्रोथ होने में और शाइनी बनाने में. उससे आपका जो स्मेल है वो भी निकल जाएगा और इरिटेशन भी नहीं होगी. सो गाइस इसी तरह आज मेरा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है. आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें. और मेरी ये वीडियो देखने के लिए बहुत सारा थैंक यू. मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें.